हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिजवान। आज हम देखेंगे हमारा जो गेस्ट पेपर है, एक गेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये नेक्स्ट गेस्ट पेपर है। इसमें जो क्वेश्चंस है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़े, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है आपके वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। चलो देखिए, क्वेश्चन पेपर आपके पास है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका एमसीक्यूज रहते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड राइट इट। ओके, यहां पर सिर्फ आपको आंसर लिखना है ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन का जो आंसर है वो पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर जो है राइट करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू सॉल्व द x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। वी हैव टू फाइंड d, सो d फाइंड आउट करना, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो आपको पता है d इज इक्वल टू a1 a2 एंड b1 b2। Now put the value of a1 a2 and b1 b2। अब ये वैल्यू हमको कहां से मिलेंगी स्टूडेंट? इस इक्वेशन से मिलेंगी। तो यहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, ax plus by is equal to c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें से हम यहां से देखिए x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स ये a1 हो गया, तो 1 a1 हो गया हमारे पास 1, a2 3 है, x का कोफिशिएंट a1 a2 होता है, y का कोफिशिएंट जो होता है वो b1 b2 होता है। तो यहां पर b1 दैट मींस 1 एंड b2 दैट मींस -2। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 1 -2 एंड -3 1 3, यू विल गेट -5। तो आवर आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आउट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच इज 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, 4 ऑप्शन हमारे पास, इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस द पावर ऑफ जो वेरिएबल्स है सबसे बड़ा उसका पावर 2 होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो यहां पर देखिए ये जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है, ये वेरिएबल यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो यहां पर जो पावर है वो 2 है। तो अब कैसे हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? यहां पर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, राइट, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ है। दैट मींस ये एक्स स्क्वायर को अगर हम यहां से डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, यू विल गेट ये जो इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 11। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर जो माइनस एक्स स्क्वायर है और रिजल्ट एक्स स्क्वायर है, दैट मींस यहां की जो साइन है दोनों की डिफरेंट है और डिफरेंट साइन में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पर दोनों की जो साइन थी वो सेम थी, इसलिए डिवाइड करके, तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड, फॉर एन गिवन एपी ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 101, देन टी एन। सो write the formula of tn, a plus n minus 1d, tn we have to find tn and n is equal to 101, put the value of a 3.5 plus 101 minus 1 into d that means 0। अब अगर हम इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास जो बचेगा वो 3.5 बचेगा। दैट मींस आवर आंसर इज ऑप्शन बी 3.5, राइट। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। अब अ डाई इज रोल्ड तो एस जो मिलेगा हमको सैंपल स्पेस, दैट मींस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस है। दैट मींस नंबर ऑफ एस हमारे पास आएगा यहां पर 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है? द फेस इज लेस देन 3, मतलब 1 एंड 2। तो यहां पर नंबर ऑफ ए जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट वो ओनली 2 आएगा एंड 2/6 दैट मीन्स 1/3 और ऑप्शन बी इज राइट। प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस दैट मीन्स 2/6 एंड 2 × 2 2 × 3 = 6 दैट मीन्स 1/3। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ओरली आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है सॉल्व द फॉलोइंग 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, ईच कैरी 1 मार्क्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको मैं यहीं पर फाइंड आउट कर देता हूं। यहां से अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लिखते हैं 3 1 -1 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 = 12 -1 1 = 1 दैट मीन्स -1 एंड 12 -- प्लस 12 + 1 = 13। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 13। सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन m = 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5 = 0। अब हमको यहां पर ये शो करना है कि ये जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का m = 2 ये इसका रूट है या नहीं। m = जो m की वैल्यू दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे 2m² - 5m = 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m = 2 तो m दैट मीन्स 2 2² - 5 × 2 = 0। यू विल गेट 2 × 4 - 5 × 10 = 0। यू विल गेट 8 - 10 = 0 एंड -2 ≠ 0। सो m = 2 इज नॉट द रूट, इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a दैट मीन्स a = 10 एंड d = 5। कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म गिवन है। हमको जो है एपी लिखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो a दैट मीन्स t1, a दैट मीन्स t1 टर्म फर्स्ट। सो t2 वी हैव टू फाइंड t2 तो t1 + d ये फार्मूला यूज करके हम इसमें यहां पर d अगर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट हो जाता है दैट मीन्स 10 + 5 यू विल गेट 15। सिमिलरली यू विल फाइंड t2 + d एंड t2 हमारे पास आया है 15 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 यू विल गेट 20। t4 यू विल गेट t3 + d। नाउ पुट द वैल्यू t3 दैट मीन्स 20 d यानी 5 = 25। सो एपी इज the required AP is 10, 15, 20 and 25. Next question. 2-digit number are formed using digit 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये digit को use करके हमको 2-digit number form करना है इस तरह कि उसका रिपीटेशन नहीं होना, डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो उसमें हम एस लिखेंगे सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो एस डिजिट फॉर्म करना है हमको। अब 0 1 2 डिजिट नहीं होता है बट 1 0 2 डिजिट होता है तो 10 2 डिजिट है, 12 2 डिजिट है, 11 नहीं लिखना है। 11 लिखने से डिजिट रिपीट हो जाता है, 1 1 हो जाता है। सो 11 यहां पर नहीं आएगा। 13 दैट मीन 14 एंड 15। अब 1 को लेकर मैंने जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया, सिमिलरली 2 को लेकर हम 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। तो 20 20, 21 21, 22 22 नहीं आएगा, 23 24 25, 30 31 32 33 34 एंड 35। 33 कांट राइट बिकॉज डिजिट रिपीट हो जाएगा। और 40 41 42 43 एंड 45। नाउ 50 51 52 53 एंड 54 55 कांट गेट। सो नंबर ऑफ s = 5, 5 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 दैट मीन्स 25। तो स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के जो है वो पूछे जाएंगे। इजीली आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इसमें देखिए कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अब ये दो इक्वेशन है, ये हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। इसमें से हम a1, a2, b1, b2 निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास सिर्फ दो बॉक्सेस यहाँ पर खाली है डिटर्मिनेंट में। तो दो बॉक्स के लिए आपको देखिए यहाँ रहता है a1, यहाँ रहता है a2। तो a2 हमारे पास 4 है तो 4 लिखा हुआ है। a1 हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है उसको लिखना है 3। सिंपल, आपका एक बॉक्स फिल हो गया। उसके बाद -3 आप देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस 3 है, सॉरी ये प्लस है, इसको बाय मिस्टेक वो -3 हो गया होगा, उसको प्लस कर देते 3। और यहां पर जो है -4 आएगा, जो b का y का कोएफिशिएंट है वो b1 रहता है और सेकंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट b2 रहता है। नाउ 3 3 9 गिवन है और हमको यहाँ पर 4 4 16 तो -16 और माइनस माइनस प्लस होता है और 16 और 9 जो होता है वो 25। सिंपली हमारे 4 बॉक्स इजीली फिल हो गए और हमको यहाँ पर 2 मार्क्स जो इजीली आप हासिल कर सकते हो, मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, 6 कॉफी चॉकलेट एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, इट्स अ कॉफी चॉकलेट। अब यहां पर हमको पता है कि 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, 6 कॉफी है, तो देखो 6 यहाँ पर उसके लिए बॉक्स बनाया गया तो हम सिंपली यहाँ पर 6 नंबर लिख देंगे। प्लस 2 जो है पेपरमेंट चॉकलेट है इज इक्वल टू 13 चॉकलेट टोटल हो गए हमारे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास जो इवेंट है उसमें कहा है कि कॉफी का चॉकलेट, यहाँ पर रैंडमली एक चॉकलेट निकाले तो वो कॉफी का चॉकलेट निकाले और कॉफी के आपको देखेंगे 6 चॉकलेट है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ ए 6 लिखेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ए डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ए आएगा, नंबर ऑफ एस डिनोमिनेटर में है। अब नंबर ऑफ ए जो है वो 6 है एंड 13 गिवन है, 4 बॉक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो गए, बहुत इजी है। तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर इजी आप मिल जाएंगे। नाउ ये सेकंड एक्टिविटी है, थर्ड एक्टिविटी है, सॉरी। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। A इज इक्वल टू 6 गिवन है, D इज इक्वल टू 3 गिवन है, S27 फाइंड आउट करना है। ये SN का फॉर्मूला है तो सिंपली यहाँ पर ये बॉक्स में आप 2a लिख दीजिए, आपका एक बॉक्स इजीली फिल हो जाएगा। 27/2 n की वैल्यू पुट की है 2a दैट मींस 6a है तो 2 6 12, 27 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 3 है, सिंपली आप इस बॉक्स में 3 लिख दीजिए, आपका ये बॉक्स फिल हो जाएगा। अब ये पूरे इक्वेशन को यहाँ पर 12 + 27 - 1 इंटू 3 इसको सॉल्व करना है। तो 12 + 26 × 3, 12 + 26, 3 6 12, 3 6 18, सॉरी 3 6 18, 3 2 6 और 7 78 एंड यू विल गेट 90। दैट मीन्स ये बॉक्स में आप सिंपली 90 लिख दीजिए क्योंकि ये पूरे यहाँ पर जो ब्रैकेट को है इसको सॉल्व करके हमको यहाँ पर ये एक बॉक्स फिल करना है। नाउ इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये बॉक्स इजीली मल्टीप्लाई करके भर सकते हो या आपको फिल कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं स्टूडेंट। ये एक्टिविटी थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के बी में। क्वेश्चन कौन से है? सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस, फाइंड द 19 टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी 7 13 19 25। तो 19 टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स T19 हमको फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास गिवन है 7, डी T2 - T1 इसी तरह फाइंड आउट करते हैं हम, that means 13 - 7 you will get 6, तो d भी आ गया। now tn फाइंड आउट करना है, t19 तो tn का पहले फार्मूला लिखेंगे a + n - 1d, t19 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 है पुट कर दीजिए, माइनस n की वैल्यू हमारे पास 19 है, हमने t19 फाइंड आउट कर रहे हैं, -1 इंटू d हमारे पास आया 6, T19 इज इक्वल टू 7 एज इट इज रखिए, 19 - 1 इज इक्वल टू 18 एंड 6, देयरफॉर T19 7 आप ऐसे रखिए प्लस 18 6 आप इस 108, तो T19 इज इक्वल टू 115, दैट मीन्स 19 टर्म जो है वो 115 है। ये हमारा आंसर इजीली यहाँ पर फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम जो कांस्टेंट टर्म है 20 माइनस 20 इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर आप देखेंगे जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है हमको। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमको यहाँ पर मिलेगा 5 4 20, और यहाँ पर मिडिल टर्म का जो साइन है वो प्लस है, हम प्लस लगाएंगे एंड स्मॉलर नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। सो 100 स्क्वायर, ये मिडिल टर्म को यहां से हम स्प्लिट करना है, दैट मीन इसको हटा दीजिए। अब उसकी जगह जो फैक्टर है वो फैक्टर हम यहां पर लिखेंगे 5x एंड माइनस 4x एंड माइनस 20 इक्वल टू 0 एज इट इज। नाउ दो पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये। दो पेयर में कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन x है। यहाँ x स्क्वायर था, एक x कॉमन निकला तो एक x अंदर यहां पर रहेगा, प्लस 5x था, x कॉमन निकला तो 5। अब आप याद रखिए सेकंड ब्रैकेट भी आप इस सेम ऐसे लिख दीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहां पर देखिए जो कॉमन था वो x अंदर है, यहां पर 5 4 20, दैट मीन्स माइनस 4 यहां पर कॉमन निकल गया। नाउ x प्लस 5 जो सेम ब्रैकेट है इसमें से कॉमन निकाल लीजिए ये ब्रैकेट को, और बाकी जो टर्म्स है x माइनस 4 इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस 5 उधर जाएगा तो यू विल गेट माइनस 5 और माइनस 4 इक्वल टू, जब इसको उधर ले आएगी इक्वल टू के तो ये 4 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया माइनस 5 एंड 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये इक्वेशन पे आप गौर करेंगे, ये अल्टरनेट इक्वेशन है, दैट मीन्स जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है, जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है। तो हम दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 99x माइनस प्लस 101y इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये इक्वेशन नंबर 1 रहेंगी हमारी और ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो ऐड करेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसके नीचे हम हमारी सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसकी हमको एडिशन करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 99 एंड 101, दैट मीन्स 200y एंड 501 एंड ये तो आपको मिलेगा 1000। 501 एंड 499 इक्वल टू 1000। 200 यहां से कॉमन निकालेंगे हम, तो 200 ब्रैकेट में रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ये 200 को इधर डिवाइड में लेकर आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200। 20 20 कैंसिल, 2 5 10, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने यहां पर ऐड किया तो यहां पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट। एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट 1 एंड 2। नाउ इक्वेशन 1 है हमारे पास, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड सेकेंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, कोई भी दो इक्वेशन की जब सब्सट्रैक्शन होती है तो जो नीचे की जो इक्वेशन है उसकी साइन चेंज कर देना है, तो इसके साथ माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। 501 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ये साइन का आप कोई यूज नहीं है। 99 में से 101 नहीं माइनस होता है, 101 में से 99 निकालेंगे तो माइनस 2x, क्योंकि 101 जो है बिगर है उसकी साइन लगाएंगे। हियर प्लस 2y and 501, that means 501 minus 499, that means minus 2. So 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 6 एंड प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस x प्लस वाई minus 2 upon 2, 2 ones are 2, that means x minus x plus y is equal to minus 1, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमको यहाँ पर फॉर्म हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं और हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 की हम एडिशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं, इसकी एडिशन करेंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस तरह दोनों इक्वेशन को आप पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम। A 2 digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is an odd number? So सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है। तो पहले 2 से 3 को लीजिए, तो 2, 3, 23, 2, 4, 25, 25, 2, 7, 27 एंड 29। नाउ 3 से 3, 32, 35, 37 एंड 39। नाउ 5 से 5 to 53 and 57 and 59, 70, that means 72, 7 से 72, 73, 75 and 79. Now 92, 93, 95, 97. रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन। तो ये हमारे पास एक सेट मिल गया है। नाउ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 16 and 4, 5, 20. That means number of S is equal to 20. Now the event A is odd number. Event A is odd number, so A is equal to, अब इसमें ऑड नंबर देखिए 23, जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, वो ऑड नंबर है। तो यहां पर ये 5, 25 ये भी ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, 29 ऑड नंबर है, 35 ऑड नंबर है, 37, 39 ऑड नंबर है एंड 53 ऑड नंबर है, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 and 93 में 92, 93, 95, 97. तो 23 पहला आ गया हमारा, 25 आ गया, 27 आ गया, 29 हमारे यहाँ पर। ओके, नाउ इसको गिनेंगे हम, नंबर ऑफ ए कितना है हमारा, और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. नाउ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सो number of A, that means 15 upon 20, you will get 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3 upon 4. तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो एक्टिविटी रहेगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 150। हियर A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2। लेट्स फाइंड हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर, दैट मीन्स सबसे पहले हमको n फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ऑड नंबर इन द 1 to 150। सो tn का फॉर्मूला लिए, तो यहाँ पर सिंपली आप a लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। एक बॉक्स आपका फिल हो गया। tn दैट मीन लास्ट वन। अब लास्ट वन आप कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, आप बाजू में देख सकते हैं tn 149 है, दैट मीन्स यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लिए 149, राइट। उसके बाद और नहीं तो 150 जो है ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन है, तो उससे कम पे आएंगे तो 149 आपको ऑड नंबर मिलेगा। दैट मीन लास्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर तो ए रहेगा एंड लास्ट नंबर 149 रहेगा। तो ये हमारा tn है, तो tn इज इक्वल टू 149। नाउ इसको हमको सॉल्व करना है। ये 1 जो इधर लेकर आएंगे हम, पहले मैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। 149, ओके, प्लस माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू, तो ये हो जाएगा 148 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। टू को आप इधर लाइए, 148 अपॉन टू इज इक्वल टू एन माइनस वन। 2 7s are 14, 2 4s are 8, दैट मीन 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये इधर आएगा तो आपको 74, तो ये 74 आ गया। वन इधर लेकर आइए, 74 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, दैट मीन 75। यहाँ पर एन इज इक्वल टू 75 आया। देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू लिखी थी, आप इसको देखकर भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए हमारे पास ये सॉल्व करना है आपको पेपर में, जहाँ क्वेश्चन आप कर रहे हो वहाँ सॉल्व नहीं करना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन ऑलरेडी फील है, सिर्फ यहाँ पर 75 अपॉन टू और ये 149, तो ये हो जाएगा आपका 149। तो देखिए यहाँ पर 75 अपॉन टू 1 प्लस 149, राइट। 75 अपॉन टू इंटू ये 150 हो गया, 2 7s are 14, 2 5s are 10, दैट मीन 75 इंटू 75। तो 75 इंटू 75 आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25, 56, 25, 5625। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो S27 की जो वैल्यू आ गई 5625 आपके पास है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू। अब इसको कंपेयर करेंगे हम इससे, तो ए एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड माइनस 9c जो होगा ये c की वैल्यू हो जाएगी। b स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू हम 1 पुट कीजिए, c की वैल्यू ऑफ माइनस 9 पुट कीजिए। नाउ 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो माइनस 36 एंड माइनस माइनस प्लस, दैट मीन 4 and 36 इज इक्वल टू 40। अब यहां पर आपको लिखना है स्टूडेंट कि d इज इक्वल टू 40 आया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल तो है बट इक्वल नहीं। इक्वल कब हो गए? जब इक्वल टू 0 आएगा तो हम रूट्स इक्वल बोल सकते हैं। रियल एंड अनइक्वल। 2 एक्टिविटी थी स्टूडेंट, 2 एक्टिविटी से आपको एक जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सुयास स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट। उसके सेकेंड टेस्ट के जो मार्क्स है वो फर्स्ट टेस्ट से 10 मोर है, 10 ज्यादा है। फर्स्ट टेस्ट यूनिट टेस्ट में जो भी मार्क्स उसको वहां पर मिले थे उससे सेकंड टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिले। तो हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसके मार्क्स नहीं है, तो लेट स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। ओके, स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। सो देयरफॉर सेकंड टेस्ट में जो स्कोर हो गए वो हो गए इससे 10 मोर, दैट मीन्स x प्लस 10। सिंपल आपको यूज हो जाएगा यहां पर, ये इक्वेशन बन जाएंगी दोनों को यूज करके। नाउ 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट के स्कोर कौन से है? ये है, तो 5 टाइम्स इस सेकंड टेस्ट के स्कोर का इज इक्वल टू, इज द सेम यानी इक्वल है। आप स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर इन द फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट में कितना था? एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। सिंपल आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 5 10s are 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 5x एंड माइनस 50 इक्वल टू 0। सो माइनस 50 के हमको यहां पर क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकालने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस 50 के अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो देखिए 10 5 50 होता है और 10 - 5 5 होता है। मिडल टर्म स्प्लिट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे एंड डायरेक्ट हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x - 10 एंड x + 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को आप सेपरेट कीजिए, x - 10 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0। यू विल गेट x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। मार्क्स स्कोर नॉट निगेटिव, स्कोर कांट निगेटिव, क्योंकि यहां पर माइनस स्कीम नहीं, मार्किंग स्कीम नहीं है, इसलिए दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। तो सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया जो उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने, फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो सुयश स्कोर 10 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ऑन 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज। दैट मीन्स 1 जनवरी को 10 रुपीज। 1 जन इस डेट को 10 रुपीज एंड 2 जन को 12 रुपीज, सॉरी 11 रुपीज एंड 3rd को 12 रुपीज एंड सो ऑन, राइट। इफ सी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, इस तरह अगर उसने डिसाइड किया कि मनी सेव करते जाएगी, देन 31 दिसंबर 2016, तो यहां से लेके 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016, यहां पर व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो यार टोटल सेविंग कितनी होंगी उसकी, दैट मीन्स अब ये जो नंबर्स है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने टोटल डेज होते हैं, तो वो रहेगा हमारा n। तो ये 2016 देने का जो रीजन है इसके पीछे, क्योंकि 2016 लीप ईयर था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। 2016 is a leap year, therefore total days is equal to 366. So therefore n is equal to 366. Now अब हमको जो फाइंड आउट करना है S366 फाइंड आउट करना है। 366 डेज में उसकी सेविंग कितनी थी, तो एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट। तो यहां पर पहले ए और डी निकाल लेते हैं हम। ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 रुपीज वो एक्स्ट्रा आगे बढ़ाते जा रही है, सेविंग करते जा रही है, तो यहां पर डी इज इक्वल टू 1 होगा। T2 - T1 दैट मीन्स 1। ओके, एस एन इज इक्वल टू n/2। नाउ 2a + n - 1d, S366 is equal to 366/2 and 2a + 366 - 1 and put the value of d is equal to 1। सॉल्व करेंगे इसको। S366 is equal to, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6। डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 2 into a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, a की वैल्यू हमने यहाँ रखी नहीं है, तो a की वैल्यू रख देता हूं 2 into 10, 2 into 10 डेट मीन्स 20 प्लस 365 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आएगा। देखेंगे यहाँ पर S366 is equal to 183 into ये हो जाएगा 385, तो S366 183 into 385, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर वो इजीली आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर ले जाइए, तो यहां पर आप पूरा आंसर लिखेंगे। सनिका आज सेविंग is डैश 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 रुपीस। तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। ओके, तो ये इक्वेशन, यहां पर एक क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 6 कार्ड इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। 6 कार्ड है, एक पे लिखा हुआ है 0, एक पे लिखा है 1, एक पे लिखा है 2, एक पे लिखा है 3 एंड एक पे लिखा है 5 एंड देन 4 एंड देन 5। तो ये टोटल कार्ड्स हमारे पास, दैट मीन्स एस सैंपल स्पेस हमको मिल गया 0 1 2 3 4 5। आप देखिए 6 कार्ड है, हर एक पे 0, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, इस तरह यहां पर उसके ऊपर लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन शोन अ नेचुरल नंबर। नाउ द इवेंट ए, नंबर ऑफ एस लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। तो इवेंट ए इज अ नेचुरल नंबर। इवेंट ए इज अ नेचुरल नंबर। सो ए जो हमारा सेट मिलेगा नेचुरल नंबर, इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 है, 0 नहीं होता है नेचुरल नंबर में, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। नाउ इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 5/6। सिंपल प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट, अब यहां पर सेकंड इवेंट जो है, इवेंट बी इज नंबर लेस देन वन, दैट मीन्स 0। सो बी इज इक्वल टू, सेट में आएगा 0, दैट मीन्स नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, ओनली 1 एलिमेंट इसमें है इसलिए 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट मीन्स 0/1 = 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी का। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था और ये क्वेश्चन है क्रैमर के उसूल से, सॉरी ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। नाउ क्रैमर्स रूल से लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे हम, 4m + 6n = 54, इक्वेशन नंबर 1 एंड देन 3m + 2n = 28, इक्वेशन नंबर 2। ना इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो होता है ax + by = c। तो 2 इक्वेशन है, तो a1 a2 लेंगे। तो यहां पर a1x + b1y = c1 एंड ये लेंगे a2x + b2y = c2। कंपेयर करने पर, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग a1 हमको मिलेगा 4, b1 मिलेगा 6 और c1 मिलेगा 54, a2 मिलेगा 3, b2 मिलेगा 2 एंड c2 यू विल गेट 28। राइट, नाउ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ये निकालने के बाद आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डी फाइंड आउट करेंगे आप सबसे पहले। तो डी में आप लिखेंगे a1 a2 एंड b1 b2। इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। आप फाइंड आउट करेंगे क्रैमर के जो रूल है वो बहुत इजी है, सिर्फ आप यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे dx, डिटरमिनेंट ऑफ x। तो यहां पर आप रखेंगे c1 c2 एंड b1 b2। नाउ आप dy फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर आप रखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर आप a1 a2 एज इट इज रहेगा और b1 b2 की जगह आप c1 c2 लिखे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहां से a1 b1 c1 b2 b2 c2 सब मैंने आपको यहां पर बताया है, सिर्फ आपको वैल्यू रख के यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। उसके बाद आप x फाइंड आउट करने के लिए आप लिखेंगे dx/d, तो यहाँ x फाइंड आउट हो जाएगा और y आप फाइंड आउट करने के लिखेंगे dy/d। इस तरह आप ये 2 वैल्यू जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो dy/d, dx/d से। राइट, तो ये क्रैमर का रूल था जिससे आपको यहां पर ये इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो हॉर्स है आपका उसको यहां पर गौर से देखना है स्टूडेंट आपको। तो मेन क्वेश्चन यही है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, अब स्क्वायर आपको पता है तो स्क्वायर का एरिया या स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर एरिया एंड पेरीमीटर ये कब फाइंड आउट होगा, जब जब स्क्वायर का साइड पता हो। तो स्क्वायर अगर बनाते हैं हम, सपोज ये स्क्वायर मैंने बनाया यहां पर आप देखेंगे, सपोज ये स्क्वायर है तो इसका अगर साइड लेते हैं हम स्टूडेंट, तो ये x, अगर इसको सपोज करता हूं ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, राइट। तो अब अगर इसका एरिया और इसका पेरीमीटर, तो ऐसे टू स्क्वायर है यहां पर, तो स्क्वायर एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का हम जो है सपोज कर लेंगे साइड x है, तो लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी एक्स मीटर, बी एक्स मीटर, लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी एक्स मीटर। अब स्मॉलर स्क्वायर जो रहेगा उसका साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का यहां पर फार्मूला आपको आना चाहिए। तो मैं दोनों फार्मूला यहां लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब अगर हम बिगर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हमको यहां पर 4 इंटू साइड हमने लिया x, दैट मीन्स 4x, दैट मीन्स 4x, तो ये हमको पेरीमीटर मिलेगा, ये हमको पेरीमीटर मिला बिगर स्क्वायर का। ओके अब स्मॉलर स्क्वायर का पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, सो द पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा 4 इंटू साइड, लेकिन इसका साइड अभी हमको फाइंड आउट नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन दी गई है एंड डिफरेंस देयर पैरामीटर इज 16 मीटर, तो इसका डिफरेंस जो होगा, तो यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, और ये जो डिफरेंस है ये 16 हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, राइट। तो इसका पैरामीटर कितना आया, 4x आया, देयरफॉर इसका पैरामीटर हमारे पास 4x है माइनस इसका पैरामीटर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 16। मैं इजी मेथड से बता रहा हूं जो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जो आपको समझ जाएगा, ऐसे मेथड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। और एक मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट पैरामीटर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास ये 4 साइड को आप उधर ले जाए, 16 को इधर लेकर आएंगे, तो हमारे पास रहेगा 4x माइनस 16 और 4 इंटू साइड 4, अब यहां से कॉमन निकाल लेंगे हम, x माइनस 4, इसमें से 4 कॉमन निकला, इसमें से भी 4 कॉमन निकला, 4 4 16 होता है, दैट मीन्स 4 इंटू साइड, और ये 4 और ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्मॉलर स्क्वायर का साइड मिलेगा वो होगा x माइनस 4। ये साइड किसका है, स्मॉल स्क्वायर का है, ये साइड स्मॉल स्क्वायर का है। तो दो साइड हमारे पास आ गए, एक का जो साइड आया हमारे पास वो आया x, और एक का जो साइड आया हमारे पास वो आया x माइनस 4। अब बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो अब एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 400 राइट क्वेश्चन में, तो इसको हमने लिख लिया। नाउ एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया का फार्मूला आपको फाइंड आउट होना है, एरिया का फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया दैट मीन साइड स्क्वायर, तो बिग स्क्वायर का जो साइड है वो x है, तो x स्क्वायर प्लस स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो x माइनस 4 तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहां पर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस इसको a लेंगे और इसको b लेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नाउ एक्स स्क्वायर तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 फोर जा 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर जो 16 होगा दैट मीन्स 400 एज इट इज। नाउ ये 400 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, तो 400 को हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0। नाउ यहां पर 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 8x एज इट इज रहेगा, 400 माइनस 16 यू विल गेट 384 इक्वल टू 0 राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट फॉर्म हो गई। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय टू अगर हम 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 फोर जा 8 दैट मीन्स 4x माइनस 2 वन जा 2 एक कैरी हो गया 2 नाइन जा 18 एंड 2 टू जा 4 दैट मीन्स 192 इक्वल टू 0। अब 192 के जो हम फैक्टर निकालेंगे तो अब इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं और उसको सॉल्व करेंगे हम, तो 192 के फैक्टर निकालेंगे तो माइनस 192 के फैक्टर। अब अगर आपके पास बड़ा टर्म है और आपको फैक्टर निकालते नहीं आते तो मेथड देख लीजिए 192 के आप इस तरह यहां पर जो है 2 नाइन जा 18 एक कैरी हुआ 2 सिक्स जा 12 2 फोर जा 8 2 एट जा 16 2 टू जा 4 2 फोर जा 8 2 वन जा 2 2 टू जा 4 3 फोर जा 12 एंड 2 टू जा 4 2 वन जा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 3 टू जा 6 6 टू जा 12 दैट मीन्स 16 माइनस 12 तो मिडल टर्म हमको मिलता है, तो हमारे जो फैक्टर आएंगे 16 एंड 12। अब मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो हम बिगर के साथ माइनस लगाएंगे, स्मॉलर के साथ प्लस लगाएंगे और डायरेक्ट आप ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 16 एक फैक्टर मिला, x प्लस 12 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 और इसको सेपरेट कर देंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू माइनस 12 बट x is equal to minus 12 can't be possible, so x is equal to 16 तो यहां पर हम x is equal to 16 लेंगे तो आप साइड ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया, जो उसने हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि फाइंड देयर साइड्स, फाइंड द साइड्स, तो दोनों के साइड हमने फाइंड कर लिए, एक का 12 और एक का 16। तो ये एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 0 3 डिजिट नंबर दैट मीन्स अगर मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर 408 408। तो आप देखेंगे कि ये मिडल डिजिट जीरो है, यहाँ पर ये जो है ये 100 पर है और ये यूनिट पर है। तो हमारे पास दो डिजिट मिलते हैं हमको, एक 100 पर और एक यूनिट पर। तो ये दो डिजिट कौन से है ये हमको फाइंड आउट करना है, और मिडल डिजिट तो जीरो है ये हमको पता है, उसने गिवन स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में जो है दिया है। ओके राइट, नाउ लेट द डिजिट ऑन unit place be x and the digit on 100 place is equal to y। So हमारे पास जो डिजिट बनेगा स्टूडेंट, जो नंबर फॉर्म होगा हमको, तो नंबर अब दो डिजिट है, एक यूनिट पर है एक 100 पर है। तो 100 के डिजिट को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो दैट मीन्स x प्लस, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 या x ही आएगा, और 100 से अगर आप 100 के जो प्लेस डिजिट है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास x प्लस 100y, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। नाउ द नंबर इज 34 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। द नंबर इज 34 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो इसका डिजिट कौन कौन से, x एंड y। तो सम ऑफ डिजिट दैट मीन्स x प्लस y। नाउ रीड अगेन, द नंबर इज 34 टाइम्स, ये नंबर जो है दैट मीन्स 100x प्लस 100y, x प्लस 100y, ये नंबर 34 टाइम है, इसके सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये हमारी इक्वेशन, पहली इक्वेशन फॉर्म होंगी इस तरह। नाउ x प्लस 100y 34x प्लस 34y, 34 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये 34x 34y को आप इस तरफ ले आइए, x माइनस 34x प्लस 100y एंड माइनस 34y इज इक्वल टू 0। राइट, नाउ 33x माइनस 33x, 34 माइनस 1x दैट मीन्स 33x, 34 बिगर है इसलिए साइन लगाएंगे उसके, प्लस 100 माइनस 34 दैट मीन्स 66y इक्वल टू 0। इसको हम और इजी कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 33 यू वी गेट x माइनस x प्लस 33 2 66 होता है डेट मीन 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हुई हमारी। नाउ इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करने के लिए मैं यहां से फॉर्म कर रहा हूं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द न्यू नंबर इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो न्यू नंबर कैसे फॉर्म होगा हमको, जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे दैट मीन्स जो यूनिट की प्लेस पे वो 100 पे आ जाएगा, जो 100 की प्लेस पे यूनिट पे चले आएगा, दैट मीन्स 100x क्योंकि x यूनिट था अब 100 पे आ गया और ये y, तो ये इंटरचेंज हो गया। तो न्यू नंबर हमको यहां पर मिला। अब क्या बोलता है, द न्यू नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इन द यूनिट्स एंड 100 प्लेस इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर 396। तो ये जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 396 मोर है। राइट, तो अब यहां पर हम ये जो डिजिट हमको जो नंबर फॉर्म हुआ 100x प्लस y, ये नंबर जो है ओरिजिनल नंबर हमारे पास था x प्लस 100y, इससे 396 मोर है दैट मीन्स प्लस 396। यहां से हमको इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होंगी। 100x एज इट इज रखिए, उसके बाजू में लाएंगे -x प्लस वाई एज इट इज, उसके बाजू में लाएंगे 100y और इज इक्वल टू 396 एज इट इज। 99x माइनस 99y, 100 में से 1x गया 99x, माइनस प्लस माइनस माइनस 100y में से y गया दैट मीन्स 99y और 100 बिगर है इसलिए माइनस 99 और 396। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 99। अगर हम इस होल इक्वेशन को 99 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो मिलेगा x माइनस वाई, यहां से 99 डिवाइड हो जाएगा, यहां से भी 99 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 396 को आप 99 से डिवाइड कीजिए तो 3 3 11 3 9 99, 11 3 33, 6 कैरी हो गया 11 6 36, 9 4 36, दैट मीन्स हमारे पास आएगा 4। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म होगी स्टूडेंट। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है -x प्लस 2y और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों की ऐड करेंगे हम। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी ऐड करेंगे, जब इसकी एडिशन होगी तो -x और x एलिमिनेट हो जाएगा, 2y माइनस 1y दैट मीन्स यू विल गेट y एंड 0 प्लस 4 दैट मीन्स 4। तो y जो है, जो डिजिट प्लेस पे हमारा y था, कौन से प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था, वो हमको फाइंड आउट हो गया 4। नाउ यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, y की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ x माइनस 4, y की प्लेस पे 4 रखेंगे, इज इक्वल टू 4, माइनस 4 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो यूनिट की प्लेस पे जो नंबर था, यूनिट प्लेस पे डिजिट ऑन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 8, डिजिट ऑन 100 प्लेस इज इक्वल टू 4। द नंबर, तो नंबर जो हमारे पास था दैट मीन्स x प्लस 100y, सो x की वैल्यू पुट करेंगे हम 8 प्लस 100 और y की वैल्यू 4, तो नंबर हमको फॉर्म होगा 8 प्लस 400 दैट मीन्स 408। ये हमारा नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, इसको हमने फाइंड आउट किया और मिडल डिजिट आप देखेंगे 0 है, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन आपको फॉर्म करना है और दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और जो हमारे पास जो नंबर था ओरिजिनल नंबर ये वाला, इसमें आप x और y की वैल्यू पुट करके वो नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी 7th टाइम ऑफ 7 टर्म, 7th टर्म कौन सी होगी, दैट मीन्स 7th टर्म इज इक्वल टू T7 एंड 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो 11 टर्म्स हमारे पास कौन सी होगी, 11th टर्म इज इक्वल टू T11। अब बाय गिवन कंडीशन 7 टाइम्स ऑफ T7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ T11, राइट। अब Tn का फार्मूला हम यहां पर लिखेंगे और फिर यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब उसने हमसे क्या पूछा है, if an AP 7 times of 7th term is equal to is equal to 11 types of 11 term, then find the T18 term of AP is 0. That means we have to prove that T18 is equal to 0. ये हमको prove करना है, right? Okay. 7 as it is रहने दीजिए. T7 that means Tn का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो आएगा A plus 7 minus 1, because n जो है वो 7 है, and D is equal to 11 into A plus 11 minus 1 into D, because n यहाँ पर 11 है, तो 7 into A plus 6D and 11 into A plus 10D. Now 7 से multiply करेंगे, we get 7A, 7 6 42D, 11A, 11 से A को मल्टीप्लाई किया, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110D. नाउ 7A और माइनस 11A, ये 11A को मैंने इस तरफ लेकर आया, प्लस 42D माइनस 1110D. दोनों टर्म्स को हमने इक्वल टू के उस तरफ ले गए तो इधर जो बचेगा वो 0 स्टूडेंट. नाउ अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा. ये इक्वेशन हमारे पास आई तो यहां पर बचेगा माइनस 4a. दैट मीन्स 7 में से 11 माइनस नहीं होता, 11a में से 7a निकालेंगे तो हमको मिलेगा 4 माइनस 4a. 11 बिगर है इसलिए उसकी साइन लगाएंगे, प्लस 1110 पर बिगर है उसकी साइन लगाएंगे माइनस. नाउ 42d, 110 में से 42d आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 68d इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट, अब क्या करना है हमको, होल टर्म से यहां से हम माइनस जो है ये कॉमन निकाल रहा हूं, 4a माइनस 4a से डिवाइड कर देता हूं मैं इसको. चलिए डिवाइडेड बाय माइनस 4a, क्योंकि मुझे माइनस यहाँ पर नहीं चाहिए तो माइनस 4a 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये माइनस 4a से ये माइनस चला जाएगा तो a बचेगा, और ये माइनस से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो माइनस माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी चला जाएगा तो यहाँ प्लस बचेगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 17d इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. ओके, इस तरह आप इसको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी. अब जो हमको प्रूफ करने के लिए कहा था, हमको क्या बोला था, T18 जो है 0 को T18 इक्वल टू 0, 18 टर्म 0 है, ये हमको प्रूफ करना है. तो Tn का फार्मूला लेंगे a प्लस एन माइनस 1d, और इसमें T18 फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 18 माइनस 1d. So T18 is equal to A plus 17D, और T18 is equal to ये A plus 17D. इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू 0 है तो यहां पर लिख देंगे 0. दैट मीन्स फ्रॉम 1, तो ये 1 से फ्रॉम 1 से हमने यहां पर A plus 17D की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिए, हमारा प्रूफ हो गया. हेंस प्रूफ. स्टूडेंट तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 में जो 3 क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किए. क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में आएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक था. अगले वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए और जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए.